नाबालिग के साथ हुए दुराचार के मामले में कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आरोपी के खिलाफ फास्टैग में मामला चलाया जाए और फांसी दी जाए। बैतूल आज महिला कांग्रेस मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल बैतूल पहुंची, जहां पर उन्होंने कांग्रेसियों को एकत्र किया और एक जन आक्रोश रैली निकाली, जिसके बाद महिला कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि आरोपी के खिलाफ फास्टैग में मामला चलाया जाए और उसे फांसी दी जाए। साथ ही बीजेपी के राज में जब बीजेपी का नेता ही ऐसा करे तो उसका घर क्यों नहीं तोड़ा गया, घर भी तोड़ा जाना चाहिए और उसे समय रहते फास्टैग में मामला चलाया जाए और उसे फांसी दी जाए, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी भवन के सामने भी धरना प्रदर्शन किया। देखिए, हम लोग लगातार हर जिले में जहां पर भी घटनाएं होती हैं हम प्रदर्शन करते हैं, और अगर इस जगह पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सामने आया है, उनका घर नहीं तोड़ा गया तो आखिर क्यों उसको संरक्षण दे रही है सरकार? और जब भी सरकार ऐसे अपराधियों को संरक्षण देगी, कांग्रेस महिला कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, प्रदर्शन करेगी, लगातार प्रदर्शन करेगी। अभी क्या मांग है? हमारी मांग है इस अपराधी का भी अन्य अपराधियों की तरह घर तोड़ा जाना चाहिए और इसको फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला के फांसी दी जानी चाहिए।